हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। तो चलिए, आज मैं नॉइस फिट एंड्योर वॉच का रिव्यू देने वाला हूँ। ये देखिए, पिछले हफ्ते मैंने इसे अनबॉक्स किया था और मैंने कहा था कि मैं इसे कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो मैंने क्या फील किया इस प्रोडक्ट के बारे में और मैं क्या सोचता हूँ, क्या क्या मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो मैंने यूज़ करते हुए फील किए हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो रिव्यू ओवरऑल सीधा और सिंपल रहेगा, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं इसके: डिज़ाइन एंड लुक्स, बिल्ड एंड क्वालिटी, कंफर्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और बैटरी बैकअप, एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी और साथ में आपका प्राइस। ये 7 पॉइंट के साथ मैं इस रिव्यू को स्टार्ट करूँगा और आपको जितनी भी चीज़ें इसमें जो लेने से पहले आपको डाउट हो रही हैं वो इस रिव्यू के साथ क्लियर हो जाएंगी। नॉइस फिट एंड्योर स्मार्ट वॉच, जी हाँ, इसे मैंने 10 दिन से करीब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और ओवरऑल क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इस वॉच के साथ, मैं इस रिव्यू में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका डिज़ाइन एंड लुक्स। डिज़ाइन एंड लुक्स के हिसाब से वॉच प्रीमियम दिखती है। ओवरऑल आप बाहर कहीं भी इसे पहन के आप जाते हैं तो लोग सोचते जरूर हैं कि कौन सी वॉच है जो इतनी प्रीमियम लग रही है। मुझसे पूछा कई लोगों ने कि अच्छी दिख रही है वॉच, कौन सी कंपनी की है, क्या प्राइस है इसका। तो ओवरऑल प्रीमियम है, लगता है दिखने में, लुक्स प्रीमियम है। आप जितना पे करते हैं उतना उससे ज़्यादा आपको लुक वाइज मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये उस तरह से मैं इसमें बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट लुक वाइज प्रीमियम दिखता है, बढ़िया प्रोडक्ट है लुक वाइज। इसी लुक की वजह से मैंने इसे परचेज़ किया, सबसे पहला कारण था मेरा। बाकी बाकी फीचर्स मैंने बाद में खंगाले हैं, जो भी साइट वगैरह में देखे, मैंने बाकी जगह देखा तो बाकी मैंने उसे देखे बाद में, लेकिन पहला जो मेरा प्रायोरिटी था वो लुक्स था। और लुक्स के हिसाब से इसका वॉच, इसका जो डायल है वो गोल है और गोल डायल की घड़ी मुझे अच्छी लगती है, तभी मैंने इसे परचेज़ किया। पर्सनल प्रेफरेंस है, आपका क्या प्रेफरेंस है आप देख लीजिएगा। बाकी जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो गोल गोल डायल मुझे चाहिए था, तो मुझे ओवरऑल ये प्रोडक्ट देखने में प्रीमियम लगा, गोल डायल मिला तो मैंने इसे परचेज़ किया। मैं इसे डिज़ाइन एंड लुक्स के हिसाब से अच्छा रेट करता हूँ। मेरे हिसाब से ये घड़ी डिज़ाइन एंड लुक्स में अच्छी है, आप देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। मुझे पसंद आया ये प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड लुक्स में से। दूसरा पॉइंट है मेरा बिल्ड एंड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में मैं इसे पूरे पॉइंट्स तो नहीं दूंगा, क्योंकि उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मानता मैं इसकी। स्ट्रैप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये। जो हैंड में स्ट्रैप बांधने के लिए है वो उतना लंबा चलने का मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। पर घड़ी ओवरऑल ठीक है, इसका जो मेटल वगैरह जो इस्तेमाल किया अगल बगल पर वो ठीक ठाक लगता है। 2-4 बार गिरा भी है मुझसे फ्लोर पर कुछ हुआ नहीं। बस वो स्ट्रैप का इशू है, स्ट्रैप की वजह से मैं इसके बिल्ड क्वालिटी में कुछ पॉइंट्स काटना चाहता हूँ। बाकी ओवरऑल अच्छा लगता है देखने में, लगता भी है स्ट्रांग है, स्टर्डी है, पर वो स्ट्रैप ही एक चीज़ है जो मुझे डाउट लगता है कि लंबा चलेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो सेकेंड पॉइंट में बिल्ड एंड क्वालिटी में इसे पूरे मार्क्स तो नहीं दूंगा, बस इस स्ट्रैप की वजह से कुछ मार्क्स कटेंगे। स्ट्रैप खुल भी जाता है कभी कभी मुझसे, कभी कभी ये हाथ में खिंचाव पड़ने से निकल जाता है, ये थोड़ा इजिली खुल जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर इसे लगाना होता है, तो वो भी एक थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है, तो ये भी एक इशू है। तो दूसरा पॉइंट था बिल्ड एंड क्वालिटी, उसमें भी मैं इसे पूरे मार्क्स तो नहीं दूंगा पर प्रोडक्ट अच्छा है, ओवरऑल ठीक है प्रोडक्ट। इसकी जो घड़ी की क्वालिटी है वो ठीक है, स्ट्रैप को आप एक तरफ रख सकते हो, जी हाँ। तो तीसरा पॉइंट होगा आपका कंफर्टेबिलिटी। तो घड़ी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है पहनने में, आप पहनते तो आपको कंफर्टेबल लगता है। थोड़ा डायल बड़ा लगता है शुरू शुरू में, अगर आप छोटी वॉच पहनते थे पहले या छोटा आपने कभी मी बैंड वगैरह इस्तेमाल किया होगा तो उस हिसाब से थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, पर ओवरऑल कंफर्टेबल है, आप इस्तेमाल करते वक्त धीरे धीरे यूज़ टू हो जाएंगे। तो शुरू शुरू में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही थी नींद वगैरह, जब मैं नींद की कोशिश करता था, सोने की कोशिश करता था, तब मुझे प्रॉब्लम होती थी इससे, हाथ में टकराता था, कहीं चेहरे पर लगता था, तो उस वजह से दिक्कत होती थी, पर धीरे धीरे आदत हो गई मुझे। अब ये रात को पहन के सोता हूँ मैं स्लीप ट्रैक करने के लिए, तो वो भी काम आता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी भी मैं भी इसको पूरे पूरे मार्क्स दे दूंगा, ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ नहाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय आप अपने तरीके से हैंडल करिएगा इसको। मैं नहीं पहनता हूँ इसे नहाते वक्त, सिर्फ मैं नहाते वक्त इसे खोलता हूँ, बाकी टाइम मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ पूरे समय। तो ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी में भी पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे मेरी तरफ से। आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, ये तीनों पॉइंट में मुझे अच्छे रेट करता हूँ इन्हें, जो तीनों पॉइंट मैंने अभी तक बताए, डिज़ाइन, बिल्ड एंड कंफर्टेबिलिटी। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो सबसे बड़ी जो बात होती है स्मार्ट वॉच की या स्मार्ट बैंड की, वो एक्यूरेसी होती है। तो एक्यूरेसी क्या बता रहा है इस वॉच का, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ओवरऑल एक्यूरेट है ये, मैं इसका स्टेप ट्रैकर मैंने चेक किया है, मुझे एक्यूरेट लगता है। मैंने उससे पहले भी बहुत सारे बैंड इस्तेमाल किए हुए हैं, तो कईयों के बैंड ऊपर नीचे थे, कईयों का जो स्टेप ट्रैकिंग था वो इतना अच्छा नहीं था। इसका स्टेप ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा है, रनिंग को भी अच्छी तरह से पकड़ता है और स्टेप्स जो अपन चलते हैं उसको भी अच्छी तरह से पकड़ता है। मैंने दोनों ही ट्राई किया है जिम में और दोनों ही परिस्थिति में मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट।
तो एक्यूरेसी में पूरे पूरे मार्क्स देता हूँ इसको मैं। तो इवन जो इसका जो जो आपका जो जो ऐप ये इस्तेमाल करते हैं, दा फिट करके एक ऐप है, डी ए फिट करके, जो नॉइज़ वाले इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। वो ऐप इतना अच्छा नहीं है, तो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन उसमें मिलेगी नहीं। वो एक इशू है जो मी के साथ नहीं है। मी का बैंड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका जो ऐप है वो काफ़ी तगड़ा है, तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें पूरी डिटेल से मिल जाती हैं। इसका ऐप उतना अच्छा नहीं मानूंगा मैं, ऐप को उतना बेहतरीन नहीं मानता मैं, इसीलिए भी आप थोड़ा सा दिखिएगा इसको कि ऐप की वजह से आप पूरी चीज़ें ट्रैक करने में दिक्कत होती है आपको। ऐप अच्छा है पर पूरी कॉन्फ़िगरेशन में पूरे डिटेल्स आपको मिलते नहीं है उसमें, तो ये एक इशू है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक्यूरेट है प्रोडक्ट, सब जितनी चीज़ें ट्रैक करता है सब एक्यूरेसी से ट्रैक करता है, आपको कोई इशू नहीं होने वाली है उससे। और जितने फीचर्स हैं इसमें सारे वो एक्यूरेसी से ट्रैक करता है, इसको इशू नहीं है उसमें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप इसका मैं मानूंगा कि बैटरी बैकअप का कंपनी जितना क्लेम करती है, कंपनी इसमें क्लेम करती है बैटरी बैकअप, आपको बोलती है कंपनी कि कंपनी का कहना है कि इसमें कंपनी आपको 20 डे का बैटरी बैकअप बोलती है। यस, 20 डे, 20 डेज का बैटरी बैकअप कंपनी बोलती है, जो कि ये 20 डे तो नहीं देता है। मैं आप सब बता दूँ आपको, इसमें 20 डे की जगह आपको बैटरी बैकअप मिलती है करीब करीब 7 से 8 दिन, 7 दिन मैक्सिमम, हफ्ते भर का बैकअप मिलेगा आपको। उसके बाद आपको इसको चार्ज पर लगाना पड़ेगा, और चार्ज में कम से कम 2 से 2.5 घंटा, 2 घंटा लेता है ये। कंपनी कुछ भी क्लेम करती है, मैंने यूज़ किया, मुझे मालूम है 7 दिन या 8 दिन से ऊपर आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ 7 से 8 दिन का बैटरी बैकअप इसमें मिलता है आपको। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी का। अब इस पॉइंट को मैं इसीलिए लेके आया हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसे नॉइस से परचेज़ किया है, नॉइस की खुद की साइट से परचेज़ किया है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह से किसी किसी और साइट से परचेज़ नहीं किया है, नॉइस की साइट से परचेज़ किया, और नॉइस ही एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी के लिए अग्री नहीं करता है। तो आपको लेने से पहले ये डिस्कस कर अपने अपने आप में विचार कर लें इस बात का कि इसे लेना है तो किसी ऐसी साइट से लेना है या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, तभी आप इसे रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। नॉइस की साइट से आप एक्सचेंज या रिटर्न नहीं कर सकते हैं, साफ साफ क्लियर कट बता दूंगा आपको, उनकी ये पॉलिसी है और वो ये नहीं करेंगे। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप समझिए आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा, बोलेगा ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, पर एक्सचेंज या रिटर्न पॉलिसी उनके पास नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप कंसिडर कीजिएगा लेने से पहले, नॉइस की साइट से लेने से पहले, कहीं और से ले रहे तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं बता दूंगा आपको। अगला पॉइंट है प्राइस। तो प्राइस के हिसाब से भी प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्राइस रेंज में और कोई प्रोडक्ट आपको इस तरह का प्रीमियम लुक, इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देता है। ये प्रोडक्ट आपको ओवरऑल सारे फीचर्स देता है जो एक स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड में होते हैं, जिस प्राइस पर ये मिलता है, 4,000 रुपये में ये मिलता है। मैंने इसे 4,500 में इसलिए खरीदा क्योंकि इस स्ट्रैप का 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं नॉइज़ वाले, तो वो 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे किया और 4,500 रुपये में से परचेज़ किया। मुझे ये रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो इसका 500 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो ये ओवरऑल 4,000 रुपये में ये प्रोडक्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप ले सकते हैं। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ 10 दिन से और मुझे कोई परेशानी नहीं, अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ और आपको जानना हो इसका इंटरफेस, इसकी डिटेल्स, ये कैसा दिखता है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स मैं आपको अलग से एक वीडियो में बना के दे दूंगा, इसे चलाते हुए उसे शूट करके मैं पूरा वीडियो दे दूंगा आपको, जितने भी फीचर्स इसके अंदर हैं। तो ये रिव्यू मैंने ओवरऑल इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इसके बेसिस पर बनाया है, तो आप देख सकते हैं, और रिकमेंडेशन है मेरा, आप ले सकते हैं इसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।